नमस्कार, मैं हूँ रिश्ला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। 7 मार्च को पूर्वांचल की 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इस चरण में 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 7वें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले में वोट डाले जाएंगे। इस दौर में नक्सल प्रभावी चकिया, दुद्धी और रॉबर्ट्सगंज सीट पर भी मतदान होगा। इन सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, इसलिए इन सीटों पर मतदान से 48 घंटे पहले शनिवार शाम 4 बजे तक ही चुनाव प्रचार थम चुका है। अन्य सीटों पर शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार हुआ, जबकि 7वें चरण में जिन 54 सीटों पर मतदान होना है उनमें से 29 बीजेपी ने, 11 सीटें सपा ने, 6 सीटें बसपा ने, 3 सीटें सुभाषपा ने और निषाद पार्टी ने 1 सीट 2017 के चुनाव में जीती थी। तो यह पूरे समीकरण है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीती थी। वहीं आखिरी पड़ाव का चुनाव, आखिरी चरण का चुनाव कई मामलों में बेहद अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि कई पिछड़े इलाकों में भी चुनाव हैं और आंकड़े जो हैं पिछले बार के बड़े अलग से सामने आए थे। वहीं इस बार जो मुकाबला देखने को मिल रहा है वो जो मेन सत्ताधर पार्टी और विपक्षी पार्टी है उसमें तो है ही, साथ ही साथ जो गठबंधन है पार्टियों के साथ उनके लिए भी एक कड़ी चुनौती इन जिलों में देखने को मिलेगी इस बार, क्योंकि उनके लिए भी ये सीटें कई मायनों में अहम माने जाते हैं। जो पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, निषाद पार्टी, सुभाषपा और जितनी भी पार्टियां हैं, सभी का वादा और दावा है कि सब ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन देखना यह होगा कि किसके खाते में कितनी पार्टी गई थी। और मेरे में संवाददाता मिर्जापुर से संतोष गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, कल चुनाव प्रचार भी थम चुका है और कल सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं मिर्जापुर में चुनाव को लेकर के? जी बिल्कुल सही है, और कल जो है रात्रि में कल शाम 5 बजे पूरी तरीके से चुनाव थम गया है और जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे से तैयारी जो है यहाँ पे की हुई है। यहाँ पर टोटल जोन को जो है 21 जोन और 145 सेक्टरों में बांटा गया है। पर्याप्त पैरामिलिट्री और पीएससी फोर्स लगाए गए हैं। टोटल यहाँ मिर्जापुर के मतदाता जो है 18,91,042 हैं, जिसमें 9,92,400 महिलाएं और 8,91,572 जो है पुरुष वह हैं। टोटल 1,134 बूथ बनाए गए हैं, 1,335 मतदान सेंटर बनाए गए हैं और यहाँ पर अच्छे से तैयारी की गई है। ये नक्सलाइट बेल्ट होने के नाते जो है कुछ एरिया में कई मतदान स्थल जो है वो काफी संदिग्ध हैं, उसके लिए विशेष पैरामिलिट्री की फोर्स जो है वहाँ पर तैनात रहेगी और वहाँ के आला अधिकारी जो है मिर्जापुर जिला प्रशासन एसपी नक्सल को स्पेशल ड्यूटी दी है कि यहाँ पर कोई हरकत न हो पाए। तमाम सुरक्षा के मद्देनजर पूरा मिर्जापुर जनपद को जो है प्रशासनिक अमले से तब्दील किया गया है और हर जगह सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। पर्याप्त मात्रा में पैरामिलिट्री बाहर से आया हुआ है, पीएससी फोर्स आया है और अन्य जनपदों की पुलिस जो है यहाँ पर खुफिया तंत्र भी लगे हुए हैं। काफी अच्छे पैमाने पर यहाँ पर जिलाधिकारी के माध्यम से, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पूरे मतदान स्थल को सुरक्षित रखा गया है। संतोष, वही अगर बात पार्टियों की जाए तो अपना दल एस जो है अनुप्रिया पटेल जिसकी अध्यक्षता कर रही है, उसके क्या कुछ वहां पर पैठ नजर आ रही है, किस तरह से मिर्जापुर में उनकी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, इनका बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो इनका क्या कुछ पैठ नजर आ रहा है अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है? देखिए यहाँ पे टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र है, 5 विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 1 सीट जो है वो अपना दल को मिला हुआ है, अपना दल चुनाव लड़ रही है और दूसरी 4-1 पर निषाद पार्टी लड़ रही है और 3 पर जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है जी। और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है मायावती, ये अनुप्रिया पटेल जी पूरा एनडीए के साथ लगी है। हर जो है जनसभा में अनुप्रिया पटेल जी ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, अपनी पार्टी को पेश किया है और उन्होंने स्वतंत्र मन से ये बात को कहा है कि हम पिछली बार भी एनडीए सरकार के साथ थे और इस बार भी एनडीए सरकार के साथ रहेंगे, हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो अन्य पार्टियों की क्या कुछ पैठ देखने को मिल रही है संतोष, क्योंकि चुनाव कल है और जनता किस पार्टी को लेकर क्या कुछ विचारधाराएं रख रही है मिर्जापुर की?
देखिए अन्य पार्टियों में कुल मिलाकर जो है समाजवादी पार्टी प्रखर है यहाँ पर। पिछली बार जो है पांचों के पांचों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में थे। इसके पहले समाजवादी पार्टी जो है नगर में अपना खाता खोली थी, उसके कैलाश चौरसिया जी विधायक और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का रुझान जनता में पिछले सत्र में 2017 में नहीं दिखने को मिली थी, लेकिन वर्तमान में समाजवादी पार्टी का जो प्रखर रूप देखने को मिला है। कल अखिलेश जी यहाँ रैली करके गए हैं और बहुत ही जन सैलाब उनके में उमड़ा था और उन्होंने जो है लगातार जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने ऐसे तमाम वादे करके जनता के अंदर एक जुमला छोड़ा है और कहीं ना कहीं यह सार्थक देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की कड़ाके की टक्कर में 2 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में और 3 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त कोई भी जो है पार्टियां यहाँ पर फाइट में नहीं। संतोष, एक बार बात कर ले मुद्दों की, तो जो मिर्जापुर की मुद्दा है उनका जनता है, उनका मुद्दा क्या है, किन मुद्दे पर इस बार मिर्जापुर की जनता मतदान करना चाहती है? देखिए मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो बेरोजगारी का आलम है। एक जमाने से मिर्जापुर जो है नक्सलाइट बेल्ट होने के नाते यहाँ पर जो है रोजगार नहीं है और सरकार ने इस बेल्ट में कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया है जिससे कि जनता को लाभान्वित हो, बेरोजगार को रोजगार मिल सके। यहाँ सबसे बड़ा जो है दिक्कत बेरोजगारी की है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री नहीं है और न ही किसी बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराने का संसाधन है। सरकार ने जरूर यहाँ पर कई वादे किए थे लेकिन सारे यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे सिर्फ अन्य प्रदेशों में जाकर नौकरी करते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक छटाएं हैं, यहाँ पर ढेर सारे पहाड़ पत्थर हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है और बेरोजगारी का आलम है। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। हमारे संवाददाता संतोष मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि क्या कुछ किस पार्टी की पैट है मिर्जापुर में। मिर्जापुर की जनता को रोजगार और विकास चाहिए और मिर्जापुर की जनता रोजगार के मुद्दों पर इस बार वोट देगी। तो इस तरह से लगातार जिस तरह से अनुप्रिया पटेल अपना दल एस जो है उनकी अध्यक्ष है और वो लगातार जिस तरह से एक्टिव है मिर्जापुर में और अपने वादे और दावे करें, उन्होंने जिस तरह से कहा कि मैं पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, तो ऐसे में देखना होगा कि जनता पर किसका कितना प्रभाव पड़ता है। लगातार सभी दिग्गज जो बड़े बड़े पार्टियों के स्टार प्रचारक हैं वो वहाँ पर पहुँचते रहे हैं जनता को अपने पक्ष में करने के लिए। जनता से बड़े बड़े वादे और दावे भी किए गए हैं विकास के, रोजगार के, लेकिन अब देखना यह होगा कि जनता किसके लुभावने और वादे और दावों में आई है और किसकी पक्ष में जनता वोट देगी। हालांकि मिर्जापुर एक पिछड़ा एरिया भी माना जाता है, नक्सलाइट एरिया भी माना जाता है। लोगों का कहना है यहाँ बड़े बड़े पहाड़ तो हैं लेकिन यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है जिससे रोजगार लोगों को मिल सके, वहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जनता क्या कुछ चुनती है और किसे चुनकर वह लखनऊ विधानसभा भेजेगी। ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। फिलहाल कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, शाम के 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा और लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत पाठक हमारे साथ चंदौली से जुड़ेंगे। अजीत, क्या कुछ तैयारियां हैं चंदौली में? मैम, हम आपको बता दें कि कर निर्वाचन आयोग के तहत आयोग यहां पर आएंगे और आज चेक करेंगे हर बूथ को कि बढ़िया से चुनाव सकुशल कराया जाए और हर आज के डेट में चेक किया जा रहा है। और अब हम यहाँ पर कल की हम बात करें तो कल सैदराजा विधानसभा में पवन सिंह आए थे और रोड शो भी किए थे, तो थोड़ा वोट बैंक का भी प्रभाव पड़ा है यहाँ पर भी, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक का यहाँ भी प्रभाव पड़ा, जाति समीकरण का भी प्रभाव पड़ रहा है। जी, अगर बात किया जाए मुद्दों की तो मुद्दे कौन कौन से चंदौली के इस बार होंगे चुनावी मुद्दे? अजीत, चुनावी मुद्दे मैम यही है कि गरीबी अथवा महंगाई है और कुछ बेरोजगारी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जिस हर पार्टियां अपने मुद्दे को रख रही है और उन मुद्दे पर चुनाव अपना लड़ रही है। जी अजीत, अगर बात किया जाए बड़े चेहरों की तो बड़े चेहरे बिल्कुल जाते हैं, स्टार प्रचारक जाते हैं, बड़े वादे और दावे करते हैं, लेकिन बात की जाए वहां से जो प्रत्याशी है, जो अभी मौजूदा विधायक है और जो प्रत्याशी है, उनके क्या कुछ दावे और वादे हैं चंदौली की जनता से?
देखिए अभी तो उनके यही तो दावे हैं कि होली को मतलब कि सिलेंडर जब हमारी सरकार बीजेपी की बनेगी तो हम सिलेंडर फ्री देंगे। सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। वहीं अखिलेश सपा के प्रत्याशी जो हैं वो दावे कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तमाम ऐसे लाभों के बारे में अपना रख रहे हैं और वादे कर रहे हैं। चंदौली में कई अहम मुद्दे, किसानों का एक अहम मुद्दा रहा है, किसानों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है चंदौली में। तो ऐसे में अगर बात की जाए अजीत किसानों की, तो किसानों की 300 यूनिट जो बिजली फ्री है वो तो बिल्कुल उनके लिए है ही, और कुछ क्या अलग से मांग है किसानों की, क्योंकि किसान भी एक अहम रोल अदा कर रहा है इस चुनाव में। देखिए किसान की मांग यही है कि हमारे मतलब की MSP के हिसाब से हमारी धान खरीदी जाए, और इस सरकार में किसानों को बहुत ही कष्ट सहना पड़ा जिसके कारण से वो नाखुश भी दिख रहे हैं। हमको लग रहा है कि कुछ किसान सपा की ओर भी जाएंगे और कांग्रेस भी, मतलब कि किसानों भी वोट बटेगा। जी बिल्कुल अजीत, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाददाता अजीत चंदौली से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किसानों के मुद्दे क्या हैं, किसानों को MSP उनका एक अहम मुद्दा है, और कहीं ना कहीं जो किसान है उनका वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों को काफी दिक्कतों का भी सामना पड़ा है। चंदौली के भी अपने अहम मुद्दे हैं, कई मुद्दे लगातार चंदौली से पहले भी सामने आते रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि चंदौली की जनता का मूड क्या है, चंदौली की जनता का मत क्या है, चंदौली की जनता को क्या कुछ विकास चाहिए, और चंदौली की जनता किसे चुनती है। हालांकि कल यहाँ भी चुनाव है, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा, और जो भी दिग्गज चंदौली से विधानसभा में प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला 10 तारीख को होएगा, और ये 10 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता ने आगे 5 साल अपने विकास का मौका किसको दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव बड़ा ही 2022 बड़ा ही दिलचस्प होते जा रहा है, और सबसे अहम बात 2022 विधानसभा चुनाव में यह रही कि सातों चरणों में, क्योंकि 7 चरण में विधानसभा चुनाव होना था और 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, 7वें चरण का चुनाव हो रहा है, 7 चरणों में मुद्दे अलग अलग रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, पूर्वांचल, अवध, हर जगह के मुद्दे अलग अलग रहे हैं, लेकिन अगर हर जगह एक मुद्दा अहम रहा है और सिमिलर कॉमन जिसको कहते हैं एक मुद्दा रहा है, वो रहा है रोजगारी का। कोरोना के बाद से जिस तरह लगातार युवा बेरोजगार हुए हैं, लगातार और ऐसी इंडस्ट्रीज जो बंद हुई हैं, फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, जिससे सभी रोजगार हुए हैं, वो इसकी वजह से एक अहम मुद्दा 2022 विधानसभा चुनाव का बेरोजगारी बना रहा है। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी कड़ी में जौनपुर संवाददाता अहमद हमारे साथ जुड़ेंगे। अहमद, क्या कुछ चुनावी तैयारियां हैं अभी जौनपुर में? जी आपको बता देंगे, चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और 2145 मतदाता केंद्र और 3948 मतदेय स्थल, 35 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का कल प्रयोग करेंगे। जी, क्या कुछ सुरक्षा को लेकर के तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है अहमद? प्रशासन द्वारा सुरक्षा की पूरी तैयारियां कर ली गई है, भारी मात्रा में पैरा मिलिट्री फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है, और पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है बूथ स्थल की ओर। अहमद, जौनपुर के अहम मुद्दे क्या है, कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जौनपुर की जनता इस बार पोलिंग बूथ पर जाएगी, मतदान करेगी? जी, सबसे बड़ा अहम मुद्दा यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य और शहरी क्षेत्र में जाम को लेकर, जी इन्हीं तीन मुद्दों को लेकर जनता का लूट करेगी। और अभी जो कौन कौन से दिग्गज वहां से चुनावी मैदान में, अहमद, उसके बाद जो यहाँ पे मौजूदा प्रत्याशी है वो तो बिल्कुल, आपने उन्होंने 5 साल में क्या कुछ कार्यकाल किया उनका फैसला तो इसी पे जनता करेगी, आगे जो और प्रत्याशी चुनावी मैदान में है उनके क्या कुछ मुद्दे और वो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में आ रहे हैं इस बार? अहमद, अभी जो मौजूदा वहां से विधायक है, वहां की सभी विधानसभाओं से, उनका कार्यकाल तो 5 साल का खत्म होने वाला है, तो क्या कुछ उन्होंने विकास किया, और जो प्रत्याशी है जो चुनावी मैदान में है उनके क्या कुछ दावे और वादे हैं जौनपुर की जनता से? दावे उनके यही है कि अगर जनता दोबारा मौका देती है तो वो अपने क्षेत्र में जो बचे हुए विकास कार्य है उसको पूरा करेंगे। सदर विधानसभा से राज्य मंत्री गिरीश यादव की भाग का फैसला भी कल होगा, और सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली मल्ली विधानसभा में JDU के प्रत्याशी धनंजय सिंह की टक्कर सीधे सीधे लकी यादव से है, और मल्ली विधानसभा काफी हॉट सीट है। करहल के बाद मुलायम सिंह यादव मल्ली विधानसभा में प्रचार करने आए थे, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की ये सीट है मल्ली विधानसभा।
जी, अगर बात धनंजय सिंह की की जाए तो धनंजय सिंह एक प्रतिष्ठित चेहरा है, एक वेल नोन चेहरा है, वो जाने माने चेहरा है जौनपुर में। उनकी क्या कुछ पैठ देखने को मिल रही है जौनपुर में, क्योंकि कल सुबह चुनाव है, कल मतदान है, तो क्या कुछ उनका पैठ देखने को मिल रहा है जौनपुर में? सीधी टक्कर, कड़ी टक्कर मल्ली विधानसभा में धनंजय सिंह लक्की यादव को दे रहे हैं, और मामला 19 और 20 का है, और उनकी पैठ मल्ली विधानसभा में काफी है, आम लोगों में, युवा में उनकी अच्छी पकड़ है, सभी जाति सभी वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ है। जी अहमद, जाति वर्ग की अगर बात की जाए, पूर्वांचल का चुनाव हो और जाति वर्ग की बात ना हो, ये तो बहुत ही अलग सी बात हो जाएगी। तो जो जाति वर्ग है जौनपुर की, कौन सी जाति का वोट किस तरफ कितना जाता हुआ दिख रहा है? ये तो टिकट बंटवारे के समय ही जाति को निगाह में रखते हुए टिकट का बंटवारा किया गया था। और मल्ली विधानसभा यादव बहुल सीट कही जाती है, मुगरा बादशाहपुर ब्राह्मण बहुल सीट, और सदर विधानसभा मुस्लिम बहुल सीट, और सभी पार्टियों ने अपना दाव लगा दिया है, और जाति समीकरण को देखते हुए प्रत्याशी घोषित किया है। यह आने वाला समय ही बताएगा कि किस पे जनता किस पे भरोसा करती है, विकास के मुद्दों को चुनती है या जाति समीकरण को चुनती है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अहमद जानकारी के लिए। संवाददाता अहमद जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। जौनपुर से भी दिग्गज धनंजय सिंह चुनावी मैदान में है। धनंजय सिंह काफी कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद, कहा जाए तो एक बेहद ही कॉन्ट्रोवर्सियल चेहरा है धनंजय सिंह, और वो चुनावी मैदान में। ऐसे में देखना यह होगा कि धनंजय सिंह जनता के दिलों में अपनी कितनी जगह बना पाते हैं। जौनपुर भी एक अहम सीट बना हुआ है, धनंजय सिंह वहां से चुनावी मैदान में, विपक्ष धनंजय सिंह को भी लेकर के लगातार सवाल निशान खड़ा करता रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद वो चुनावी मैदान में है और जौनपुर की जनता विकास चाहती है। बात अगर किया जाए जातिगत समीकरण की, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा से जातिगत समीकरण पर आधारित रहा है, और एक पार्टी विशेष और एक जो होता है जाति विशेष। जाति विशेष की अगर बात की जाए, तो जाति विशेष के वोट हमेशा से एक अपने जाति की ओर ही जाते रहे हैं, और हमेशा से उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति पर आधारित रहा है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि कौन सा जाति का वोट किस पाले में जाता है। हालांकि अगर बात की जाए स्वर समाज की, तो जब आगाज भी नहीं हुआ था विधानसभा चुनाव का, तो सभी पार्टियां स्वर समाज को अपने अपने पाले में करने में लगी हुई थी, और कहीं ना कहीं एक तरफ ये भी कहा जाता है कि जो पंडित वोट बैंक है, पंडित वोट बैंक जिस तरफ जाता है सरकार बना दिया जाता है। अगर उठा के देखा जाए कांग्रेस की सरकार से, तो जब तक पंडित वोट बैंक कांग्रेस की सरकार में था, कांग्रेस की सरकार बड़े अच्छे तरीके से बनती रही है। वही जब बात किया जाए मायावती के पार्टी की, तो मायावती को भी, बहुजन समाज पार्टी को भी एक बड़ा साथ पंडितों का मिला, मायावती ने सरकार बनाया। ऐसे में 2022 विधानसभा में भी शुरुआती दौर में सभी पार्टियां पंडितों को साधने में लगी हुई थी, स्वर समाज को साधने में लगी हुई थी। सबसे पहला स्वर सम्मेलन सतीश चंद ने किया था, जो अयोध्या और फैजाबाद में उन्होंने किया था। उसके बाद से सभी पार्टियां लगातार स्वर समाज को, पंडितों को साधने में लगी हुई थी, और हालांकि बीच में पंडितों को लेकर राजनीति भी काफी गर्माई थी। तो ऐसे एक बड़ा सवाल यह भी उठ के आता है कि पंडित वोट बैंक किस तरफ जाएगा, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, पंडित वोट जिधर जाता है सरकार बना देता है। ऐसे में कई जाति विशेष अपने अलग अलग मायने रखते हैं, मुस्लिम वोट जो हो गए, और हमेशा समाजवादी पार्टी का जो MKY समीकरण रहा है, मुस्लिम कुर्मी यादव, इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी नजर आया है जो कुर्मी वोट है। तो इस तरह से पार्टियों के सामने चुनौती भी खड़ी हुई है, जिस तरह से जाति का वोट बटा है उसको मद्देनजर रखते हुए पार्टियों के मुश्किलें भी बढ़ी हैं, जिस तरह से लगातार सब अलग अलग एक जाति विशेष को साधने में लगे हुए थे। ऐसे में देखना ही होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन सी जाति किस ओर जाती है और कितना कमाल दिखाती। हालांकि महिला और युवा भी 2022 विधानसभा में एक अहम जगह ले रखे थे, और महिलाएं जो 50% वोटर हैं, साथ ही साथ जो युवा है, युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे थे, कोरोना लगातार 2.5-3 साल से रहा है, और कोरोना की महामारी ने काफ़ी लोगों को बेरोजगार किया है। तो ऐसे में युवाओं का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, और इसी में जो शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा रहा है, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी SCERT कार्यालय से लेकर कई जगहों पर मुख्यमंत्री आवास के सामने कई जगहों पर धरना प्रदर्शन भी करते रहे। ऐसे में जो अध्यापक अभ्यर्थी हैं, उनका भी एक अहम रोल होने वाला है 2022 विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जिस तरह से लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कभी बसपा के कार्यालय, कभी सपा के कार्यालय, कभी भाजपा के कार्यालय, तो कभी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के कार्यालय, यहाँ वहाँ भटकते रहे हैं, उन धरना प्रदर्शन किया, उन पे लाठी चार्ज हुई। तो इसीलिए एक अहम मुद्दा शिक्षक अभ्यर्थी भी बने हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 जो है वो कई
मामलों में अहम हो रहा है। लगातार कई अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं। युवाओं के साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थी भी एक अहम रोल निभाने वाले हैं 2022 विधानसभा में। हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता रविंद्र सोनभद्र से हमारे साथ जुड़ेंगे। रविंद्र, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है सोनभद्र में चुनाव को लेकर? कल सुबह 7 बजे से मतदान है सोनभद्र में। विधानसभा लगते हैं, 4 विधानसभा में मिलाकर के कुछ 13,58,278 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुष 7,28,000, 6,30,000 महिलाएं अपने मत का प्रयोग करेंगी। जी, और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवा लिया जाए, चुनाव हो वहां पर? जी बिल्कुल, बता दो, सोनभद्र जो जिला है ये नक्सल प्रभावित जिला है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां हर संभव तैयारी कर ली गई है। जी, अगर शाम को सभी, जी बिल्कुल बताए रवीन, आज शाम को सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान स्थलों पे पहुंच जाएंगी। जी, ये तो बात होगी चुनाव प्रचार की, जो अगर बात की जाए पार्टी विशेष की, तो कौन सी पार्टी का कितना पैड देखने को मिल रहा है रविंद्र सोनभद्र में? यहाँ पूरे सोनभद्र में सपा और भाजपा का हर जगह कड़ा मुकाबला दिखलाई पड़ रहा है। अगर बात दिग्गजों की करें तो जो मौजूदा विधायक हैं अभी वहाँ की सभी विधानसभाओं से, उनके विकास कार्य क्या कुछ रहे हैं? क्योंकि एक अहम है, 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ विकास किया है, और जो प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनावी मैदान में अलग अलग विपक्षी पार्टियों से, उनके क्या कुछ दावे और वादे हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि दुद्धी विधानसभा विधायक भाजपा और अपना दल से गठबंधन से विधायक हरिराम चेरो ने हाथी की सवारी करके इस बार ताल ठोक रहे हैं मैदान में। वही संजीव गोड़ जो समाज कल्याण राज्य मंत्री रहे, वो बड़ा विधानसभा से लड़ रहे हैं। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। कल शाम से मतदान प्रारंभ होगा, इसके बाद देखा जाए कि कौन जीतता है। लेकिन अगर बात की जाए मुद्दों की, तो सोनभद्र की जनता क्या कुछ विकास चाहती है रविंद्र? सोनभद्र की जनता को क्या कुछ विकास चाहिए? क्योंकि जनता अपने मत का प्रयोग करती है, इसीलिए वो मतदान करती है कि वो जिसको भी अपना प्रतिनिधि चुने वो उसका विकास करे। तो सोनभद्र की जनता के विकास के मुद्दे क्या है? सोनभद्र की जनता को क्या कुछ विकास चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पर शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे यहाँ सोनभद्र में कोई बड़ा ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ से कोई टेक्निकल डिग्री या कोई ऐसी पढ़ाई करने हमारे यहाँ के बच्चों को बाहर दिल्ली बॉम्बे लखनऊ अन्य जगहों पे जाना पड़ता है। जी, तो शिक्षा को लेकर के सोनभद्र की जनता इस बार मतदान केंद्र पर जाएगी, तो शिक्षा को लेकर क्या वादे किए गए वहाँ के प्रत्याशियों के द्वारा रविंद्र? वहाँ के प्रत्याशियों ने क्या कुछ वादे किए हैं कि अगर जनता उनको चुनती है तो वो क्या कुछ इंतजाम करेंगे सोनभद्र के बच्चों के लिए कि वहीं पे पढ़ाई करें और जो उनकी हायर एजुकेशन है वो भी सोनभद्र में हो पाए? जी बिल्कुल, जो भी प्रत्याशी दावे तमाम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जितने एक बार कोई भी प्रत्याशी कहीं क्षेत्र में जाता नहीं है, जो लोग दावे तक ही सीमित रह जाता है। जी रविंद्र, आपने बताया कि शिक्षा कोई प्रत्याशी कुछ करता नहीं, तो जो मौजूदा विधायक हैं वहां से, उनके भी तो 5 साल पहले वादे रहे होंगे शिक्षा को लेकर, क्योंकि शिक्षा सोनभद्र का एक अहम मुद्दा है। तो पहले उन्होंने क्या कुछ कार्य नहीं किए शिक्षा के लिए, या फिर क्या कुछ वादे किए हैं जो उनके प्रोजेक्ट उन्होंने शिक्षा के लिए है, क्या वो पेंडिंग है? तो जो विधायक है अभी मौजूदा, 5 साल पहले जिनको चुना गया था, उन्होंने शिक्षा को लेकर क्या कुछ विकास किया है और क्या कुछ नहीं किया है सोनभद्र में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, रावत सिंह सदर से विधायक भूपेश चौबे है, मतलब कुछ पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे थे, इसी समझ जाइए तो कितना विकास किए होंगे कि आज उनको कान पकड़ के उठक बैठक करना पड़ जा रहा है। जी, कान पकड़ के जब उन्होंने उठक बैठक किया तो इससे जनता उन्हें कितना माफ करती हुई नजर आ रही है? वो तो कल के बाद पता चलेगा मतदान होने के बाद कितना माफ करती है क्या करती है। जी, आप बिल्कुल वहां पर बने रहिए और हमारे तक सारी खबर पहुंचाते हैं। मेरे संवाददाता रविंद्र सोनभद्र से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां से एक अहम वीडियो भी वायरल हुआ था प्रत्याशी का, जो कान पकड़ के उठक बैठक करते हुए नजर आए थे और अपनी गलतियों का माफी मांग रहे थे। तो उससे कहीं ना कहीं अंदाजा विपक्षी पार्टियों की तरफ से यह भी लगाया जा रहा था कि इन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। हालांकि सोनभद्र का एक अहम मुद्दा है विकास और शिक्षा, शिक्षा सोनभद्र का अहम मुद्दा है, और ऐसे में एक बड़ी ही असमंजस वाली बात तो यह निकल के सामने आती है कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था और सोनभद्र की जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना था, तो उस प्रतिनिधि ने शिक्षा के लिए क्या कुछ इतना भी कार्य नहीं किया कि जनता को इस बार फिर से यही अपनी मांग लेकर सामने आना पड़ रहा है कि उन्हें शिक्षा चाहिए, उनके बच्चों को अपनी शिक्षा और हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, लखनऊ दिल्ली और मुंबई का रुख करना पड़ता है। ऐसे में वहाँ की जनता की सबसे बड़ी मांग शिक्षा को लेकर के है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी, स्कूल और अच्छे
आईटी कॉलेज जो हायर एजुकेशन के लिए हो वो खोले जाए ताकि उनके बच्चे वहीं पर शिक्षा प्राप्त कर सके। अब शिक्षा तो प्राप्त कर लेंगे, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी निकल के सामने आता है कि नौकरी, शिक्षा के बाद रोजगार उन्हें कहां से मिले। तो ऐसे में तमाम कई बड़े मुद्दे सोनभद्र से भी सामने है। चुनाव के दौरान सभी बड़े चेहरे जाते हैं, बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन असल में और जमीन पर कार्य कितना किया जाता है ये तो जनता को ही पता है। और जनता बिल्कुल मतदान केंद्र पर इसी उम्मीद में जाती है और इसी उम्मीद में मतों का प्रयोग करती है कि जिसको भी अपना प्रतिनिधि चुनेगी वो उसका विकास करेगा, वो उनके बच्चों के लिए शिक्षा का अच्छा व्यवस्था करेगा, रोजगार का अच्छा व्यवस्था करेगा। लेकिन सामने क्या आता है ये सभी जानते हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि इस बार सोनभद्र की जनता जिसे चुनकर भेज ये वो कितना सोनभद्र का विकास करेगा। हमारे संवाददाता मऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मऊ में क्या कुछ व्यवस्था है अखिलेश चुनाव को लेकर? कमलेश, मऊ में कल मतदान है और क्या कुछ व्यवस्था कर ली गई है और क्या कुछ व्यवस्थाएं बाकी हैं अभी तक? आज मऊ में सुबह 7 बजे से सभी बूथों पे गाड़ियां प्रशासन द्वारा रवाना की जा रही है। और वहीं बता दें कि कुल हमारे यहाँ 913 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिससे प्रशासन और व्यवस्था बहुत टाइट करके और जगह जगह गाड़ियों को सुबह से 7 बजे से और रवानगी स्टार्ट कर दी गई। जी कमलेश, मऊ एक हॉट सीट भी है, मऊ से कौन कौन से दिग्गज चुनावी ताल ठोक रहे हैं? वहीं अब्बास अंसारी हैं और वहीं अशोक सिंह हैं और वहीं भीम राजभर हैं जो सदर सीट पे एकदम अपना ताल ठोक रहे हैं। जी अगर बात घोसी विधानसभा की जाए तो घोसी विधानसभा का भी क्या जायजा, क्योंकि चुनाव का ऐलान होने से पहले ही घोसी विधानसभा काफी सुर्खियों में था। अब बता दें वहीं वहां भी एक वहां त्रिकोणी की लड़ाई है और जो वहां भी दिग्गज वहां भी जैसे कि आपको देखा जाए विजय राजभर है, वहीं इकबाल अहमद है और वहीं दारा सिंह चौहान है जो बीजेपी छोड़कर और सपा का दामन उठाने थे जो दारा सिंह चौहान। जी अगर बात दारा सिंह चौहान की जाए तो उन्होंने सपा का दामन थाम लिया, ऐसे में कितने मजबूत वो अपनी सीट से नजर आ रहे हैं? वहाँ देखा जाए तो दारा सिंह चौहान का कोई विशेष मतलब नहीं है, वहाँ इकबाल अहमद जो बीएससी से जो पाए है उनका वहाँ दावेदारी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। और अगर बात अब्बास अंसारी की जाए तो अब्बास अंसारी अभी मतदान से पहले ही काफी सुर्खियों में आ गए, हालांकि वो पहले भी सुर्खियों में थे। जो मुख्तार अंसारी उनके पिता हैं उनके कई मामले सामने आते रहे तो लगातार सुर्खियों में बन रहे, लेकिन अब्बास अंसारी में हाल ही में अपना एक बयान दिया है, उस बयान को लेकर वहां की जनता पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा है और प्रशासन की तरफ से भी उन पर कार्रवाई की गई थी, तो ऐसे में क्या कुछ उनका जायजा है, अब्बास अंसारी का क्या कुछ पैठ नजर आ रहा है? अगर देखा जाए तो जब से सोशल मीडिया पे उनका एक वीडियो जब से वायरल हुआ है, जब से उन्होंने चुनाव आयोग ने उनसे आरोप लगाया तब से उनको अंडरग्राउंड हो चुके हैं, जो कि अब तक दिख नहीं रहे हैं कि चुनाव प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, वो अंडरग्राउंड उनको कर दिया गया है। जी आप ऐसे में अगर बात की जाए वहाँ पे कानून व्यवस्था की, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जाए, तो ऐसे में प्रशासन कितनी मुस्तैद है, क्योंकि चुनाव से पहले ही कई ऐसे अटकलें लगाए गए, दारा सिंह चौहान भी वहां से चुनावी मैदान में, अब्बास अंसारी भी और कई बड़े चेहरे, अलका राय ने भी कई ऐसे इल्जाम लगाए हैं कि मेरे पति के जान को खतरा, उनका एक ऑडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो ऐसे में प्रशासन कितनी प्रतिबद्ध है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने में? जिला प्रशासन द्वारा बीएसएफ और सीआरपीएफ प्रशासन में बहुत अलर्ट है जो मतदान का ही हो ताकि फर्जी न हो। जी अगर बात विकास, रोजगार और मुद्दों की जाए कमलेश, तो मऊ का अहम मुद्दा क्या है? मऊ की जनता को अपने प्रतिनिधि जिसको वो चुन के भेजेगी, जिसके लिए भी वो वोट करेगी, क्या कुछ उससे उम्मीदें है कि मऊ की जनता के लिए वो क्या कुछ करेंगे? अगर देखा जाए विकास की बात तो जब से स्वर्गीय कल्पना राय के जाने के बाद मऊ का अभी तक 25 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, जो की 25 साल में अब तक कोई विकास नहीं देखा, उसके पहले कल्पना राय नहीं जो भी मऊ का विकास कार्य किए तो कल्पना राय के अब तक 25 साल में एक भी विकास कार्य मऊ में नहीं हुआ है। तो ऐसे में जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं, जनता क्या कुछ उम्मीद रखती है और जनता की उम्मीद का किरण किसकी ओर दिख रहा है, उम्मीद की किरण किससे दिख रही है जनता को? जनता बार बार यही कह रही है कि हमें
लोकल ही प्रत्याशी चाहिए, जो कि हम लोग लोकल को ही जिताने का पूरा प्रयास करेंगे, हम लोग बाहरी को नहीं। ताकि पहले भी ये कुछ दिन सोशल मीडिया पे भी वीडियो वायरल हुआ था कि बाहरी भगाओ मऊ बचाओ का भी नारा लगा था, उसने आज भी लोग के यहाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें बाहरी भगा कर मऊ को ही स्थानीय लोग को ही चुनना पसंद कर रहे हैं। लेकिन कमलेश, आपने कही बाहरी भगाओ मऊ बचाओ, तो मऊ के कुछ विधानसभाओं से वहाँ के लोग ही कई सालों से, कई बार से, दो तीन बार से विधायक रहे हैं और आपने कहा वहाँ का विकास नहीं हुआ है, तो ऐसे में इस बात का क्या मतलब निकल के आता है कि वहाँ के लोग ने जब विकास नहीं किया तो आखिर क्या आप एक और उम्मीद बाहरी दिख सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि दो तीन बार वहाँ से वहीं के लोग ही विधायक रहे हैं लेकिन वहाँ का विकास नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या कुछ बातें निकल के सामने आती है कमलेश? देखा जाए तो यहाँ 25 साल से जो मैडम देखा जाए तो 25 साल से कोई विकास भी नहीं हुआ है, और जनता जो है विकास के लिए ही मुद्दे पे टिकी हुई है। इस बार जनता खुद मूड बना चुकी है कि नहीं, हमें इस बार बाहरी हटाकर और 25 हमें विकास का ही योजना करना है। जी बिल्कुल कमलेश, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाददाता कमलेश मऊ से हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि मऊ की जनता को विकास चाहिए और मऊ की जनता का एक अलग नारा है कि बाहरी हटाओ मऊ बचाओ। ऐसे में देखना यह होगा कि जनता किसको चुनती। हालांकि अगर बात मऊ की जाए तो मऊ के दो तीन विधानसभा ऐसे भी है जहाँ वहाँ के लोग ही प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे में भी यह बात निकल के सामने आती है कि मऊ का विकास नहीं हुआ तो ये बेहद ही आश्चर्यजनक बात है। और लगातार सभी दिग्गज मऊ से भी ताल ठोक रहे हैं और वहां के कई प्रत्याशी लगातार कॉन्ट्रोवर्सीज में बने हुए हैं। हालांकि अभी अलका राय का जैसा बयान सामने आया, अब्बास अंसारी का भी एक वीडियो सामने आया, वहीं से दारा सिंह चौहान भी वहीं से चुनावी मैदान में है। हालांकि वहां के लोगों का कहना है कि कुछ खास उनका पैट देखने को नहीं मिल रहा है और इसका फैसला तो अब 10 तारीख को ही चलेगा। हालांकि कल चुनाव है मऊ में भी, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वहां पर मतदान होगा और हर एक अपडेट, ताजा अपडेट प्राइम टीवी के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।